ਇਹਨੇ ਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੇ ਅਭਿਆਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਫਰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦਾ दोस्त जानते हैं ये जो तकरीब है ये चीफ मिनिस्टर पंजाब के खसूसी हुक्म पर मुनक़द की गई है और इसका बुनियादी मकसद ये था कि उन ख़वातीन हज़रात की खिदमात का एतराफ़ किया जाए उन अफसरान का और उन अहलकारों का जिन्होंने ज़िला गुजरात में डेंगू के तदारक और डेंगू में मुबतला मरीजों की देखभाल और उनके इलाज मुआवजे के लिए और उनको सेहतमंद बनाने के लिए ग्राम कदर खिदमात अंजाम दी जिसमें हमारे ईडीओ हेल्थ डॉक्टर दार अब्बास गोंदल साहब हैं हमारे अपने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं शहबाज नकवी साहब और हमारे यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी हैं और इस तरह से दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस लगन जिस जज्बे के साथ और जिस मुजाहदाना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए इन लोगों ने काम किया है और मैं भी इनकी टीम में एक कारकुन की हैसियत से शामिल था मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर अव्वलन तो डेंगू का जो वेक्टर है वो इंशाल्लाह यहाँ पैदा नहीं होने पाएगा और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से उसको यहाँ कोई जगह मिल भी गई तो हमारे जो TMA के अहलकार हैं यूनियन काउंसिल के जो स्टाफ है हेल्थ डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं वो इंशाल्लाह डटकर इसका मुकाबला करेंगे और आइंदा साल वो मौसम जो इसकी परवान चढ़ने के लिए मददगार होता है उसकी आमद से पहले पहले हम इंशाल्लाह इसकी रोकथाम के लिए जाती इकदाम जैसे हमने इस दफ़ा किए हैं हमने गली गली जा के हर शॉप टायर की दुकानों पे जाके गर्ज के किस जगह पे जाके हमने इस मच्छर का जो वेक्टर है वो तलाश नहीं किया तो अल्लाह ताला के फजल से गुजरात में इसका हमला कोई नहीं हुआ। अलबत्ता बाहर से लोग लाहौर से लोग जिनको वहाँ इलाज मुआवजे में दिक्कत पेश आ रही थी और दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ पर आए हैं और अल्लाह ताला के फजल से उनमें से मुतद्दद ऐसे ख़वातीन हज़रात थे जो इंतहाई नाजुक और सीरियस कंडीशन में थे लेकिन उनका यहाँ पर इलाज हुआ वो सेहतमंद हुए और अल्लाह ताला के ख़ास फजल करम से एक भी कैजुअल्टी जो है वो हमारे ज़िले में नहीं हुई जिस पर इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हम शुक्रगुजार हैं और हुकूमत पंजाब का मैं दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो अच्छा काम करने वाले अफसरान और अहलकार हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए वो जिस तरह से दिल खोल कर एहतमाम करती है उसके लिए भी हम उसके शुक्रगुजार हैं और जो वसाइल इस अमन में गवर्नमेंट ने फराहम किए हैं वो भी यकीनन सताइश के काबिल हैं। थैंक यू।